गुंजन शाह बाटा के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। 18 स्वदेश में मैं आपको फीडबैक दूं कि ये इंटरव्यू की रिक्वेस्ट हमें बहुत सारे व्यूअर्स से आई थी कि बाटा के नए मैनेजमेंट को लेके आइए, बाटा में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आपसे ये बात करने के लिए। हमने देखा कि आपके कुछ सालों में, इनफैक्ट आपके पहले भी, एक जैसे अगर आप देखिए हम स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें, लास्ट 1.5 साल में 1100-1200 रुपये वाला स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1900 रुपये हो गया। आपका जो आपने आपके पेरेंट ने ब्लॉक डील की, वो भी मुझे पता है 2-3 टाइम वो सब्सक्राइब हुई थी, मेरे सोर्सेज ने बताया इंडस्ट्री के, और पूरी एब्जॉर्ब हो गई। मैं उस पर बात नहीं करूँगा आपसे ना इधर स्टॉक मार्केट पर, बट मैं ऑपरेशनली बताऊँगा ऐसी कौन सी चीज़ें आपने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने डिप्लॉय की हैं जिसकी वजह से बाजार इतना सराह रहा है आपके एफर्ट्स को। नमस्कार अजय जी, शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मेरा मेरा हाउ डू यू से इट इज माय 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 लक दैट आई एम हियर, राइट? सो एंड आपके दर्शकों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, राइट? उम्मीद है और भी आऊंगा। आपने आपने काफी अच्छी चीजें बोली है। हम लोग कुछ कोशिशें कर रहे हैं, जैसे अभी यू नो देश और इकोनॉमी अभी कोविड से बाहर निकल रही है, हमने काफी तेजी लाई है हमारे कामकाज के अंदर। हम काफी सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी कुछ कुछ चीजों की हमको सफलता मिल रही है, जिसके हमके नतीजे दिख रहे हैं, राइट? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स हमने जो किया है कि हमने बेसिकली हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी रेनोवेट किया है एंड बहुत सारी चीजें की है। ऑब्वियसली नई फैशन के हिसाब से नए डिजाइन लॉन्च किए हैं एक्सेट्रा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विद इन दैट जो हमने किया है कि हमने बेसिकली स्नीकर्स और कैजुअल का पोर्टफोलियो बहुत तेजी से हमने स्टोर्स के अंदर स्प्रेड किया है और उसको हमको बहुत अच्छे तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है ग्राहकों की तरफ से। उसके अलावा जैसे आपने चार्ट पे भी दिखाया, हम बेसिकली हमारे स्टोर्स को काफी तेजी के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं। बाटा की ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है पूरे भारत के अंदर, वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, whether it is metros or bade towns or whether it is small towns and tier 5 towns, sabhi ke andar bata ki equity bahut strong hai aur hamari ye koshish hai ki hum kyun khali 1500-1600 stores tak simit rahe aur hum kaise hamare products ko aur nazdeek leke jaye hamare consumers ki taraf, aur uski usi koshish ke andar humne pichle 2 quarter mein hamare almost 20-30 franchise stores har quarter khole hain। ye kafi tezi ke sath kaam chal raha hai और उम्मीद है ये साल हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंशन ईयर होगा इसी मेट्रिक के ऊपर, और यही तेजी हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमने ऑल्सो ई कॉमर्स के अंदर काफी कामकाज किया है, हमने सेपरेट वर्टिकल बनाया है, अलग लोग उसके लिए हमने बेसिकली सेटअप किए हैं ताकि ई कॉमर्स के अंदर भी हमको उसी तरह से तेजी मिले। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और ई कॉमर्स भी एक जरिया है कि हम कंज्यूमर्स के पास और जल्दी और नजदीक से पहुंच पाए। तो ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ये उसी तरफ है जैसे आपने बोला कि हम बाटा को और अच्छी तरह से ग्राहक को पेश करें। साथ ही ऑफ कोर्स आपसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी आपकी समझना चाहेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हमने लगातार देखे, इनपुट कॉस्ट प्रेशर ओवर द इंडस्ट्रीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने कोई प्राइस हाइक्स पिछले दिनों में लिए हैं या फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी ओवर हाइक्स आप बना रहे हैं आगे चलकर? थैंक यू, आप सही बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन इज अ रियलिटी एंड अभी एक्चुअली काफी टर्बुलेंट एनवायरनमेंट चल रहा है इन्फ्लेशन की तरफ से और इट इज हैपनिंग अक्रॉस मटेरियल्स, राइट? सो हमको ये इनिशियल इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले से दिखने चालू हो गए थे, जो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, हमने तभी से ऑलरेडी काफी सारे एक्शंस इनिशिएट कर दिए थे ताकि वी कैन मैनेज दिस वेल। हमने 3 तरीके से ये मैनेज किया है ताकि हम उसको मैनेज करें और हमारे मार्जिन्स को बरकरार रखें। एक तो है कि हमने सबसे पहले फोकस किया कि हम अपनी एफिशिएंसीज को कैसे और तरीके से हम यू नो टाइटन कर पाए हमारे वेरियस ऑपरेशंस के अंदर। हम कई तरीकों के से बेसिकली हमने ट्राई किया कि हमारे ऑपरेशंस को हम ज्यादा एफिशिएंट करें। साइमल्टेनियसली हमने बेसिकली ऑल्सो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव किया है, तो जैसे हम स्नीकर्स, हमारा कैजुअल पोर्टफोलियो ये जिस तरीके से तेजी से ग्रो कर रहा है इसके कारण भी हमारा मिक्स सुधर गया है, जिसके कारण भी मार्जिन पे इफेक्ट आता है। और तीसरी चीज ऑब्वियसली हमको काफी जगह पे कैलिब्रेटेड तरीके से हमको प्राइस इंक्रीज लेनी पड़ी और इससे भी ऑब्वियसली हमारे मार्जिन पे बेनिफिट आता है।
ये हमको, इसके बावजूद हमने ये नजरिया हमने लॉन्ग टर्म का नहीं छोड़ा कि हम हमारे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स ब्रांड के पीछे एज वेल एज इन आर स्टोर्स वी हैव एक्चुअली रैम्प देम अप. तो दोज एक्सपेंसेस वी हैव एक्चुअली गॉन अप बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बाटा एज अ ब्रांड. एंड लास्ट क्वार्टर वी हैव लास्ट टू क्वार्टर्स वी हैव लॉन्च सम ऑफ आवर लार्जेस्ट कैंपेन्स, वेदर इट इज अनलिमिटेड स्नीकर्स, वेदर इट इज इट्स यू नो हश पपीज का सबसे पहला डिजिटल कैंपेन हमने लॉन्च किया हमारे हिस्ट्री के अंदर. और हमने अभी अभी अप्रैल के अंदर बेसिकली हमने दिशा पटानी के साथ 24/7 कैजुअल कलेक्शन भी लॉन्च किया है. तो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स फिर भी लगे रहेंगे. मिस्टर शाह, बिल्कुल एब्सोल्युटली. इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल आपसे यही था क्योंकि आपने एड स्पेंड्स पर, ब्रांड इक्विटी पर भी बहुत पैसा खर्च किया. इनफैक्ट 2021 व्हेन होल वर्ल्ड वाज ग्रैपलिंग विद कोविड, आपने तो अपने स्टोर्स और बढ़ाए हैं. मार्च 2021 से लेके मार्च 2020 के 22 के बीच में लगभग 75 स्टोर्स आपने जो बढ़ाए हैं. लेकिन एक और सेगमेंट, क्योंकि हमने देखा था बाटा के पास एक अपनी एक लेगेसी ऑफ शूज थे, लेकिन अब आपकी इतनी वर्सेटाइल रेंज हो चुकी है, कैजुअल शूज भी आपके काफी चलते हैं, लेकिन इस स्पेस में आप कंपटीशन बढ़ गया है. लिस्टेड स्पेस में भी एक्टिव फुटवेयर ब्रांड्स और आ गए हैं, कैजुअल शू ब्रांड्स और आ गए हैं, तो ये कंपटीशन जस्ट स्टिफ हो गया. इसके अगेंस्ट फाइट के लिए किस तरह से गियर अप हो रहा है बाटा? नहीं, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड एंड इट ऑलवेज मेक श्योर. सी, ग्राहक को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कंपटीशन का, और हमें ये बेनिफिट होता है कि हम और तेजी से अच्छी तरह से ग्राहक के साथ कनेक्टेड रह के हम और अच्छा काम करें. वरना सो इट इज ऑलवेज इज इज अ पॉजिटिव थिंग इन माई माइंड एंड आई एम लाइकिंग इट दैट देयर इज कॉम्पिटिशन नॉट ओनली लिस्टेड बट इन द मार्केट. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज ओनली यू नो हाउ डू यू से पुश अस टू डू इवन बेटर गोइंग फॉरवर्ड एंड होपफुली बेनिफिट बाटा रादर देन टेक अवे फ्रॉम अस. बिल्कुल, एक एक असली लीडर की तरह आपने बातचीत की गुंजन जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए. हम आपसे वापस से कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये देखिए फुटवेयर इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में. पहले आप काफी पहले से देख रहे हैं, कई दशकों से आपने ऑब्जर्व किए. यस, जैसे प्रियंका ने कहा कंपटीशन हीट अप हो रहा है और कैजुअलाइजेशन बढ़ गया है. क्यों ना हो, 1/3 ऑफ आर कंट्री इज अंडर 35, सब कैजुअल जूते पहनना चाहते हैं. तो ये हम भी आपसे सीखेंगे थोड़ा और ऑफलाइन चैट करके कि क्या क्या नए ट्रेंड शेप अप हो रहे हैं. आज आज हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. और अब हम चलते